नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इस सैमसंग के गैलेक्सी M21 और इस सैमसंग के गैलेक्सी M42 5G फोन को। अगर दोस्तों आप ऊपरी तौर से देखेंगे तो आपको सीधा सीधा लगेगा कि ये एक 14,000 का फोन है और ये एक 20-21,000 का फोन है। ऐसे तो आपको लगेगा कि M42 एक सुपीरियर फोन है, लेकिन मैं जिन एस्पेक्ट्स पे आपसे बात करने वाला हूँ आज, उनमें आपको एक डिफरेंट और एक सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इन हैंड फीलिंग की। तो इन हैंड फीलिंग की बात करें यहाँ पे, तो जब दोस्तों आपको अगर एक ग्लॉसी टाइप का पॉलीकार्बोनेट मटेरियल चाहिए, आपको दोस्तों एक अगर ऐसे ग्लॉसी या फिर आप कह लीजिए एक स्मूथ टेक्सचर वाला आपको अगर फिनिश्ड फ़ोन चाहिए, तो उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो M42 यहाँ पे ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट मटेरियल, ये चीज़ देखिए कि M21 लगभग एक साल पुराना फ़ोन हो चुका है और पॉलीकार्बोनेट के मटेरियल को यहाँ पे सैमसंग ने जो मिड रेंज फोन्स हैं उनमें थोड़ा सा अपग्रेड किया है, और ये तो दोस्तों 20,000 रुपये का फ़ोन है। तो यहाँ पे इन हैंड फीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे M42 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू M21। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बात है कि जब 6.6 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, तो हर बार यहाँ ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों एवरी यूज़र के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका हैंड यहाँ पे सेट हो, क्योंकि अगर दोस्तों आपको देखिए ऊपर तक अगर आप जाएंगे ऊपर तक, तो आप एक बार में जब तक आप अपने फ़ोन को फ्लैट नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे ऊपरी से स्क्रीन को जो नोटिफिकेशन पैनल उसको आप स्क्रोल डाउन नहीं कर पाएंगे। ये मैं मान सकता हूँ कि अगर आप एक फीचर को ऑन कर लेते हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप कहीं भी स्वाइप करके पैनल को डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग M21 की स्क्रीन साइज़ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है एक नॉर्मल यूज़र के एक्सपीरियंस के हिसाब से। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में दोस्तों ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि M21 हैज़ द बेस्ट डिस्प्ले। इसका दोस्तों डिस्प्ले एक्सपीरियंस बिल्कुल भी यहाँ पे है ही नहीं कि कोई भी कंपेरिमेंट हम लोग कर सकें यहाँ पे। तो M21 में जब आप दोस्तों देखिए अपने ऐप्स को देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर देखते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, उतना आपको M42 में नहीं देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर स्क्रीन हम लोग टाइप की बात करें तो देखिए सुपर एमोलेड यहाँ पे जो टाइप दिया गया है वो तो दोनों में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फुल HD प्लस स्क्रीन देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और HD प्लस और फुल HD प्लस में यही थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप जब दोस्तों यहाँ पे किसी भी ऐप आइकन को देखेंगे तो ऐप आइकन आपको हल्का सा ब्लरी दिखेगा HD प्लस में, लेकिन फुल HD में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, जैसा है वैसा ही एग्जैक्ट दिखाई देगा। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी में यहाँ पे M21 मेरे हिसाब से यहाँ पे विनर होता है। अब दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं आपसे सीधे सीधे कहूँगा तो M42 का तो मुकाबला कर ही नहीं सकता M21, बिकॉज इसमें देखिए प्रोसेसर एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का 750G प्रोसेसर दिया हुआ है, और इसमें सिर्फ एक्जीनॉस का 9611 प्रोसेसर दिया है। अगर हम लोग डायरेक्ट N22 स्कोर की भी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 210,000 205,000 के अराउंड M21 का स्कोर है, और यहाँ पे 383,000 से ऊपर का M42 का स्कोर है। तो ऐसे तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए कोई कंपेरिमेंट बात ही नहीं बनती, ये एक तरीके का बायस रिव्यू हो जाएगा। मैंने देखिए दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेले हैं, लाइक एशफॉल्ट 9 हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फ्री फायर हो गया, और जितने भी हाई ग्राफिक गेम्स होते हैं, मुझे दोस्तों ऐसा लैग नहीं देखने को मिला दोनों ही फोन्स में। हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि M21 थोड़ा हीट अप ज़्यादा होता है और M42 थोड़ा सा हीट अप कम होता है, लेकिन स्कोर्स और प्रोसेसर के डायरेक्टली नेम के हिसाब से आप लोग कंपेरिजन मत करिए। हाँ थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज 6GB रैम और 4GB रैम में डिफरेंस आ जाता है, बट अगर M21 का 6GB रैम का वेरियंट ले और M42 का 6GB वेरियंट ले तो आपको हो सकता होगी कुछ पॉइंट्स में आपको डिफरेंस महसूस हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर जाते हैं। चलिए दोस्तों अब लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे एस्पेक्ट, तीसरे लेवल पे, जो कि है यहाँ पे परफॉर्मेंस। अगर हम लोग दोस्तों डायरेक्टली नंबर्स पे बात करेंगे तो M42 का N22 स्कोर आपको देखने को मिलेगा 383,000 के अराउंड, और यहाँ पे M21 का स्कोर देखने को मिलेगा आपको 210,000 के अराउंड। नंबर्स पे देखिए प्रोसेसर एक में 750G है, दूसरे में 9611 है, तो ऐसे तो कंपेरिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। बट रियली अगर आप मेरा एक्सपीरियंस माने तो अगर M21 का आपके पास 6GB का वेरिएंट है और यहाँ पे इसका 6GB का वेरिएंट, तो आपको दोस्तों जो सिग्निफिकेंटली वो हीटिंग में ही आपको अंतर महसूस होगा। M42 बिल्कुल हीट अप नहीं करेगा जब आप गेम्स खेलेंगे, और M21 आपका थोड़ा बहुत हीट अप कर सकता है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा हीट अप करेगा, बस यहीं पे आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, और हो सकता हो कि थोड़ा सा आपको
यहाँ पे जब आपका गेम हो हल्का सा यहाँ पे अंतर आए 19 या 21 का अंतर आता है, बस इतना परफॉर्मेंस में अंतर आएगा। बाकी दोस्तों जो नंबर्स हैं नंबर्स पे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोस्तों एक बायस रिव्यू हो जाएगा अगर हम लोग डायरेक्टली नंबर्स पे बात करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने चौथे एस्पेक्ट की तरफ, वो यहाँ पे है कैमरा फीचर्स। अब दोस्तों कैमरा का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि प्राइमरी कैमरास दोनों के यहाँ पे 48 मेगापिक्सल्स के हैं। थोड़ा सा हाँ हमें यहाँ पे मैक्रो लेंस एक M42 में देखने को मिल जाता है, बाकी 5-5 के डेप्थ सेंसर्स डेप्थ कैमरास आपको दोनों में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें M42 में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब मैं किस रिगार्ड पे कह रहा हूँ कि आपने अगर प्रो मोड देखा होगा कि M21 में प्रो मोड में बिल्कुल बेकार का प्रो मोड आपको देखने को मिलता है, मैं ओपनली आपसे कह रहा हूँ। M42 में आपको एक कंप्लीट प्रो मोड देखने को मिलता है, वो एक काफ़ी बेहतरीन बात है। लेकिन अगर मैं तब भी यहाँ पे कैमरा पिक्चर क्वालिटीज़ की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे M42 ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों कंपनियाँ क्या करती हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू थोड़ी सी अपनी पुराने फ़ोन्स की कैमरा क्वालिटी गिरा देती हैं ताकि यूज़र नए फ़ोन्स को खरीद सके। ये दोस्तों एक डार्क सीक्रेट है, डार्क ट्रुथ है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते, बट यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे M21 की अभी के हिसाब से मेरी थोड़ी सी क्वालिटी डाउन करी गई है, मुझे ऐसा महसूस होता है, बट M42 में रियली काफ़ी अच्छी से अच्छी आपको वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी दोनों ही देखने को मिलेंगी। तो कैमरे के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे, और एक और चीज़, फ्रंट कैमरा भी दोनों का 20-20 मेगापिक्सल का है, बट M42 में अभी काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ दे रहा है क्योंकि अभी भी कोई मेजर इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया नहीं है। हो सकता हो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएँ तो कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाए। तो चलिए अब लोग बात करते हैं दोस्तों बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी बैकअप दोस्तों मेरे मेरे ओपिनियन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में ही आपको सेम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। सेम किस सेंस में, ये पहले आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ आपको 6000 mAh की बैटरी है, दूसरी तरफ 5000 mAh की बैटरी है। तो दोनों दोस्तों अपनी फुल एफिशिएंट हैं, दोनों ही दोस्तों काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं। एक तो 8 नैनोमीटर प्रोसेसर पे बना हुआ है M42, तो ये काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देता है। अगर आप दोस्तों मेरा ओपिनियन माने तो आपको 5000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन्स जो हैं वो ज़्यादा आपको कंसीडर करने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक तो चार्जिंग स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। अब M21 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा का आपको टाइम लग जाएगा अगर आप फुल चार्ज करते हैं 0 to 100। वहीं दोस्तों आराम से 2 घंटे के अराउंड में या फिर 2 घंटे 10 मिनट के अराउंड में आपका M42 है वो कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। और बैटरी बैकअप दोस्तों आपको दोनों में ही ठीक ठीक देखने को मिलेगा, बट M42 एक पावर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है तो इसमें थोड़ा सा आपको बेटर परफॉर्मेंस है, बट ओवरऑल बात करें तो दोनों ही अपनी जगह पे काफ़ी ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले ये चीज़ नहीं भूलनी है कि M42 में आपको प्राइस रेंज 20,000 की देखने को मिलती है, 21,000 की, और M21 आपको यहाँ पे 13,000-14,000 का देखने को मिलता है। 7,000 से 8,000 का दोस्तों यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है, जो कि दोस्तों एक कम प्राइस डिफरेंस नहीं है। इसमें एक अच्छा बजट फ़ोन आ जाता है जो कि नॉर्मल यूज़र्स यूज़ करते हैं किसी भी अदर कंपनीज़ के। कुछ यहाँ पे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं M42 में, जो कि आपको M21 में नहीं देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दोस्तों यहाँ पे गुड लॉक के कुछ फीचर्स यहाँ पे आप अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने नाइस लॉक आपको यूज़ करना आता है तो आप गुड लॉक के कुछ फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको सैमसंग पे देखने को मिल जाता है, नॉक सिक्योरिटी, कंप्लीट नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। आपको दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटीज़ देखने को मिल जाती हैं क्योंकि एक हाई रेंज फ़ोन है तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी ऑब्वियसली बेटर होगी एक मिड रेंज फ़ोन। इसी के साथ आपको छोटे छोटे ऐसे काफ़ी सारे नए फीचर्स M42 में देखने को मिलते हैं जो कि आपको M21 में अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको M21 लेना है कि M42 लेना है। अगर दोस्तों आप को कुछ फीचर्स नेसेसरी हैं लाइक गुड लॉक के और कनेक्टिंग टू पीसी और सैमसंग पे और थोड़ी सी अच्छी बेटर कैमरा क्वालिटी, तो आप M42 के बारे में जाइए। और दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही में कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों ही फोन्स में से कौन सा फोन बेस्ट लगता है और कौन से फीचर्स आपके बेस्ट फीचर्स हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी कमाल की नई टेक वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे कमाल की वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं ऐसी कमाल की नई टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।